हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो फ्रेंड्स, आज मॉर्निंग से ही ब्लॉग स्टार्ट कर दिया है जैसे मैं डेली करती हूँ। तो आज बना रही हूँ मैं यहाँ पर पनीर का परांठा। तो पनीर के परांठे के लिए सबसे पहले मैं आटा लगाऊंगी। तो आटे में मैंने कसूरी मेथी, नमक, अजवाइन, थोड़ी सी हल्दी, ये सब मिलाकर उसके बाद जो है यहाँ पर मैंने आटा लगा लिया था। और यहाँ पर बनाई है फ्रेंड्स मैंने ये पनीर की फिलिंग, क्योंकि पनीर का परांठा बना रहे हैं तो फिलिंग तो बनानी ही थी। और आज जो है मुझे सुबह उठकर ना ज़्यादा झंझट भी नहीं करनी पड़ा कि मतलब सब्जी बनानी है, सीधा पनीर का परांठा बनाया बस। और इसके अलावा मैंने कुछ भी नहीं बनाया, क्योंकि आजकल बच्चों के एक तो एग्ज़ाम चल रहे हैं तो टिफ़िन जो है लेके नहीं जाते हैं स्कूल, क्योंकि एग्ज़ाम के बाद जो है तुरंत उनकी छुट्टी हो जाती है, बस घर से ही थोड़ा बहुत खा के जाते हैं। तो उनका जो है पनीर का परांठा एक तो फेवरेट है। और मैं अपने लिए जो हूँ बाद में पोहा बनाऊँगी, क्योंकि मैं पनीर का परांठा नहीं खाऊँगी, थोड़ा वेट लूज़ करना है तो थोड़ा सा जो है कॉम्प्रोमाइज़ तो करना पड़ेगा, वरना मेरा पनीर का परांठा जो है बहुत फेवरेट है। तो चलिए, मैंने यहाँ पर जो है बच्चों के लिए नाश्ता बना लिया है। और फ्रेंड्स, नाश्ता बनाने के बाद आ गई थी मैं इधर, यहाँ पर मैं कर रही थी बच्चों के लिए थोड़े से फ्रूट्स कट। एक को दिया है मैंने टिफ़िन में ये एप्पल, और एक को डाल के दिया है मैंने बनाना, क्योंकि एग्ज़ाम के बाद थोड़ी सी अगर हल्की फुल्की भूख लगती है तो फिर फ्रूट्स खा लेते हैं बच्चे। और उसके बाद आ गए थे फिर हम लोग बस स्टॉप पर, और यहाँ पर जो है बच्चों की बस आ गई है, तो बच्चों को बाय बाय करेंगे। बाय। और बच्चों को बाय बाय करने के बाद मैं निकल गई थी मॉर्निंग वॉक पे। और मॉर्निंग वॉक जो है बहुत अच्छा रहता है, सुबह सुबह जब हम मॉर्निंग वॉक करते हैं तो पूरा दिन बहुत ही अच्छा निकलता है। और फ्रेंड्स, मॉर्निंग वॉक करने के बाद आ गई थी मैं घर पर, मैंने 5-10 मिनट का रेस्ट लिया, उसके बाद फिर से मैंने अपनी एक्सरसाइज शुरू कर दी थी। और सबसे पहले मैंने यहाँ पर जो स्किपिंग की, स्किपिंग जो है ये हमारी बॉडी के लिए जो है बहुत बढ़िया एक्सरसाइज है, इससे बहुत जल्दी फैट बर्न होता है, इसको फैट बर्निंग एक्सरसाइज भी बोलते हैं फ्रेंड्स, क्योंकि ये ना पूरी बॉडी की एक्सरसाइज रहती है इससे ना, जब अगर हम ये स्किपिंग या फिर जंपिंग एक्सरसाइज कुछ भी करते हैं तो उससे जो है हमारी पूरी बॉडी की एक्सरसाइज होती है। और यहाँ पर जब जब बहुत ज़्यादा पसीना निकल गया था अभी से ही, तो उसके बाद फिर मैंने 2-3 मिनट का रेस्ट लिया और वापस से जो है फिर मैंने एक्सरसाइज करनी शुरू कर दी थी। तो यहाँ पर मैंने कम से कम 40 मिनट तक जो है एक्सरसाइज करी है सुबह सुबह, क्योंकि सुबह सुबह ना मुझे एक्सरसाइज करना बहुत अच्छा लगता है। उसके बाद ये होता है कि एक्सरसाइज करी, काम कुम करा घर का, और उसके बाद जो है शावर शूवर ले लो तो फिर माइंड भी बहुत फ्रेश हो जाता है। और फ्रेंड्स, हमें एक्सरसाइज तब तक करनी है जब तक जो है हमारी बॉडी से पसीना निकलना शुरू ना हो जाए। अगर हमारे बॉडी से पसीना ही नहीं निकलेगा तो हमारे एक्सरसाइज करने का कोई फ़ायदा ही नहीं है। ये नहीं करना है कि हमने चलो आज 2 मिनट कर ली, 3 मिनट कर ली, 5 मिनट कर ली, ऐसा नहीं करना है। जब तक हमारे बॉडी से पसीना निकलना शुरू ना हो जाए तब तक हमें जो है एक्सरसाइज कंटिन्यू रखनी है। जितना पसीना निकलेगा उतना जल्दी हमारा वेट लूज़ होगा। तो हमें जो है कंटिन्यू जो है कम से कम 30-40 मिनट जो है डेली जो है एक्सरसाइज करनी चाहिए। बीच बीच में अगर हाँ थकावट हो जाती है, थकावट महसूस होती है, आप 1-2 मिनट का ब्रेक ले लो, फिर वापस से अपनी एक्सरसाइज कंटिन्यू करो। तो यहाँ पर जो है मैंने एक्सरसाइज कर ली थी और यहाँ पर जो है बहुत ज़्यादा पसीना भी निकल गया था, और अब जो है मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं काफ़ी थक गई हूँ, और यहाँ पर जो है मेरा मुँह भी इतना लाल हो गया था एक्सरसाइज करने के बाद, क्योंकि बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज कर ली थी और पसीना भी बहुत निकल गया था, पूरा मुझे एकदम लाल हो गया था बिल्कुल, पसीने में बिल्कुल ऐसा लग रहा था पसीना अंदर से टपक रहा होगा। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से जो है मैं मॉर्निंग टाइम में जो है 30-40 मिनट डेली एक्सरसाइज करती हूँ, और जब तक कि मतलब बॉडी से अच्छे से पसीना निकलना शुरू ना हो जाए तब तक मैं अपनी एक्सरसाइज को कंटिन्यू रखती हूँ। जब पसीना अच्छे से निकल जाता है उसके बाद जो है मैं एक्सरसाइज को स्टॉप कर देती हूँ। और एक्सरसाइज करने के बाद थोड़ा सा मैंने यहाँ पर 1-2 घूंट पानी पिया है, क्योंकि प्यास लग रही थी अब बहुत ज़्यादा, और पानी को जो है हमें घूट घूट करके ही पीना है, सिप सिप करके, एकदम से हमको सारा पानी नहीं पीना है। और पानी को जो हमें पूरे मुंह में अच्छे से घुमा घुमा कर ही पीना है, इससे क्या होगा कि जो हमारा मुंह में जो लार होती है ना वो भी हमारे पेट में चली जाती है। और फ्रेंड्स, यहाँ पर एक चिड़िया आई थी वो दिखा रही थी मैं, लेकिन तब तक ना उड़ गई थी। तो चलिए, यहाँ पर एक्सरसाइज वगैरह हो गई है मेरी। तो फ्रेंड्स, आज है डेट 22/09/17 चल रहा है अभी, और 2023। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं अंदर आ गई थी, तो उसके बाद जो है मैंने वेट करा, ज़्यादा नहीं बस 0.6 ही कम हुआ है अभी, इतने जल्दी 2 दिन में तो खैर कहाँ कम होगा। तो वही मैं लिख रही थी यहाँ पर आकर के डायरी में, अंदर वेट चेक करा, उसके बाद फिर मैं डायरी में जो है उसको लिख रही थी वेट लॉस जर्नी। तो यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, यहाँ पे भी लिख ही देती हूँ मैं, साथ साथ में डेट लिखते जाएंगे, क्योंकि ऊपर तो मैंने मेन डेट लिख दी आज की,
लेकिन जो बाकी की डेट है वो नीचे लिखते जाएंगे। तो यहाँ पे लिख देती हूँ मैं डेट, और यहाँ पे आ जाएगा हमारा वेट। ये हो गया हमारा वेट। तो यहाँ पर है हमारी 22/09/2023 हमारी डेट है आज, और जो आज का मेरा वेट था वो है 63.55। तो फ्रेंड्स, जो मैंने आपको अभी 3-4 दिन पहले जो वीडियो शेयर करी थी, उस वीडियो में मेरा वेट था 64.15 के आसपास मेरा वेट था। तो बस अभी 64 में से अगर हम इसको माइनस करेंगे तो हमारा वेट आएगा 0.6, जो हमारा वेट कम हुआ है। तो इसमें से जो है मेरा अभी सिर्फ जो है 0.6 वेट ही कम हुआ है 3-4 दिन में, लेकिन मुझे लेकर आना है अपना वेट कम से कम 60 तक, तो मुझे लेकर ही आना है अपना वेट, और देखते हैं अब कितने दिन में वो ये वेट जो है मेरा 60 पे आता है। तो कोई नहीं, मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि मेरा वेट जो है कितना कितना कम हो रहा है। और फ्रेंड्स, यहाँ पर लग रही थी मुझे हल्की सी भूख, तो मैं एप्पल कट करके लेकर आ गई थी। तो इसको खाने के बाद, घर के काम करने के बाद, फिर मिलते हैं आपसे। और सारे काम ख़त्म करने के बाद फ्रेंड्स आ गई थी मैं किचन में अपने लिए ब्रेकफास्ट बनाने। तो मैंने यहाँ पर अपने लिए बनाया है पोहा, बाकियों के लिए मैंने पनीर परांठे बनाए थे। तो चलिए, मेरा पोहा बन गया है। और पोहा जो है वेट लॉस में बहुत ही अच्छा नाश्ता है। आप सुबह मॉर्निंग में पोहा बना सकते हो, उपमा बना सकते हो। इस तरीके से जो है हमें हल्का फुल्का नाश्ता ही करना है मॉर्निंग टाइम में, हैवी नाश्ता बिल्कुल भी नहीं करना है। तो फ्रेंड्स, हमें इस तरीके से इतना इतना सा बहुत कम क्वांटिटी में लेना है, चम्मच भर के हम बिल्कुल भी नहीं लेंगे। हम चाहे कुछ भी खा रहे हो, चावल खा रहे हो, सब्जी खा रहे हो, कुछ भी खा रहे हो, तो हमें इस तरीके से बस इतना इतना सा ही लेना है, और इसको ही हमको 32 बार आराम आराम से चबा चबा कर खाना है, तभी कुछ फ़ायदा होगा, वरना कुछ भी फ़ायदा नहीं होने वाला है। चलिए, मैं अपना ब्रेकफास्ट ख़त्म कर लेती हूँ और मिलती हूँ फिर मैं आपसे बाद में। इसको मैं आराम आराम से खाऊंगी, तो आप लोगों के साथ में अगर शेयर करूंगी तो बहुत लंबी हो जाएगी ये वीडियो। तो चलिए, इसको अब मैं फिनिश करके उसके बाद आप लोगों से मिलती हूँ। तो फ्रेंड्स, अभी बच्चे आ गए थे स्कूल से, तो उनको खाने थे गुलाब जामुन। तो आ गई थी मैं रसोई में, और यहाँ पर जो है मैंने गुलाब जामुन के लिए चाशनी बनाने के लिए रख दी थी। तो यहाँ पर जो है चाशनी बन गई है, और इसमें डाल रही हूँ मैं, अब फ्लेवर के लिए मैं केसर डाल रही हूँ। आप चाहो तो इसमें हरी इलायची का पाउडर भी डाल सकते हो। मैंने यहाँ पर डाला है केसर, और इसको जो है अब ढक करके मैं रख देती हूँ। गैस का फ्लेम मैंने बंद कर दिया है। और फ्रेंड्स, गुलाब जामुन बनाने के लिए लिया है मैंने यहाँ पर ये गुलाब जामुन का इंस्टेंट मिक्स, इसी से आज हम गुलाब जामुन बनाएंगे। तो चलिए, इसको जो है पैकेट को सबसे पहले फाड़ लेते हैं, और जितना हमको गुलाब जामुन बनाना है उतना मैं यहाँ पर ये मिक्स ले लेती हूँ। इसमें बहुत ज़्यादा है तो मैं सिर्फ आधा ही ले रही हूँ, और बाकी का मैं रख रही हूँ, इसके जो है मैं बाद में बनाऊँगी। तो यहाँ पर लिया है मैंने अब ये मलाई वाला दूध लिया है, इससे जो है हम ये गुलाब जामुन का जो डो लगाएंगे वो थोड़ा थोड़ा सा करके हम इसमें जो है ये दूध डालते रहेंगे, और एक सॉफ्ट सा डो बना करके हम तैयार कर लेंगे। दूध को जो है हमें एक साथ नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा करके ही हमें जो है दूध डालना है, और जब तक जो एक स्मूथ सा टेक्सचर ना आ जाए इसमें, तब तक जो है हम इसे लगातार जो है गूंथते रहेंगे। ये देखें, यहाँ पर ही हमारा जो है अच्छे से जो है ये डो बन गया है गुलाब जामुन का। और मैंने गुलाब जामुन के अंदर की जो फीलिंग होती है ना, उसके लिए थोड़े से यहाँ पर ये किशमिश और काजू कट करके रखे हैं। तो चलिए, अब फटाफट से जो है गुलाब जामुन बना लेते हैं। तो हम इसमें से एक छोटी सी बॉल लेंगे पहले, जितनी बड़ा हमको मतलब गुलाब जामुन बनाना है ना, उस हिसाब से हम यहाँ पर जो है थोड़ा सा ये मिक्स लेंगे और एक छोटी सी बॉल बनाएंगे, और इसको थोड़ा सा फ्लैट करके बीच में डालेंगे। अब हम ये जो हमने काजू और किशमिश कट करके रखी है ना, उसको डालेंगे हम यहाँ पर, और इसको जो है वापस से हम बंद कर देंगे, और इसको जो है एक शेप दे देंगे, फिर से गोल सी शेप दे देंगे, जैसा हमारा गुलाब जामुन होता है वैसे हम इसकी शेप दे देते हैं अब। और ऐसे ही मैं जो हूँ बाकी के जितने भी मतलब जितने गुलाब जामुन बनेंगे यहाँ पर, उतने मैं फटाफट से बना लेती हूँ। ज़रूरी नहीं है कि गोल शेप में ही बनाने हैं, आप कोई सी भी शेप दे सकते हो इसकी, थोड़ी सी लंबे में भी दे सकते हो, या फिर इस तरीके से गोल भी दे सकते हो। तो चलिए, फटाफट से जो है मैं यहाँ पर गुलाब जामुन बना लेती हूँ सारे के सारे। और एक काम कर रही हूँ मैं यहाँ पर ना, मैंने यहाँ पर तेल रख दिया है गरम करने के लिए। जब तक हमारे गुलाब जामुन बनेंगे तब तक हमारा ये तेल भी जो है गरम हो जाएगा, फटाफट से जो है उसके बाद हम अपने गुलाब जामुन को फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने तेल भी रख दिया है गरम करने के लिए, और फटाफट से जो है मैं गुलाब जामुन बना लेती हूँ यहाँ पर।
तो ये देखिए इस तरीके से जो है मैंने यहाँ पर मतलब जितने के जितने भी गुलाब जामुन बने उस डो से मैंने सारे के सारे बना लिए हैं और इसको अब मैं फ्राई करूँगी। और अब कर रही हूँ मैं यहाँ पर इन गुलाब जामुनों को फ्राई। तो चलिए गुलाब जामुन को मैं फ्राई कर लेती हूँ। और यहाँ पर ना मैंने चाशनी को थोड़ा सा गर्म कर लिया था और उसके बाद जो है मैंने डाल दिया इसमें ये गुलाब जामुन। हम जब गुलाब जामुन को चाशनी में डालेंगे तो हमारी जो चाशनी है ना वो एकदम ठंडी नहीं होनी चाहिए, हमारी जो चाशनी है वो हल्की सी गर्म होनी चाहिए। तो मैंने यहाँ पर ये सारे के सारे गुलाब जामुन डाल दिए हैं और थोड़ा सा मैं आपको पास से दिखाती हूँ। ये देखिए वाओ कितने ज़्यादा टेस्टी हमारे गुलाब जामुन लग रहे हैं। ये मेरा तो मन कर रहा है कि अभी से एक खा जाऊं, पर चलिए कोई नहीं, थोड़ी देर बाद खाएंगे जब ये गुलाब जामुन जो है चाशनी को अच्छे से पी लेंगे। तो इसको जो है मैं 2 घंटे के लिए कवर करके रख दूंगी। 2 घंटे बाद क्या होगा, जो गुलाब जामुन है ये थोड़े से फूल करके बड़े भी हो जाएंगे और चाशनी जो है गुलाब जामुन के अंदर अच्छे से चली भी जाएगी। तो चलिए अब चेक करते हैं गुलाब जामुनों को। वाओ बहुत ही ज़्यादा माउथ वाटरिंग टेस्टी डिलीशियस हमारे ये गुलाब जामुन लग रहे हैं, देखने में भी और बने भी बहुत ज़्यादा टेस्टी है। तो मैं एक गुलाब जामुन आपको कटोरी में निकाल करके दिखाती हूँ। थोड़ा सा इसमें डालेंगे चाशनी और ये जो गुलाब जामुन है ना बहुत ज़्यादा टेस्टी बने हैं। मैं तोड़ करके दिखाती हूँ। ये देखिए यहाँ पर जो है गुलाब जामुन ने जो है अंदर तक चाशनी अच्छे से जो है पी रखी है, आप देख सकते हो यहाँ पर। तो फ्रेंड्स ये बच्चों के लिए गुलाब जामुन बन गए हैं और इसको जो है अब बच्चों को देते हैं और अपनी वीडियो का भी अब यहीं पर एंड करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स अब मैं अपनी वीडियो को यहीं पर एंड करती हूँ। और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ फ्रेंड्स मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय, टेक केयर।